महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे मुरुड़ के रहवासी भारत रत्न महर्षि कर्वे के जीवन की एक घटना आज की कहानी है। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक आज आपके साथ मिलकर एक ऐसी शख्सियत के जीवन में झांक रही हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनरुत्थान और महिलाओं के शिक्षण को समर्पित कर दिया था। थे भारत रत्न महर्षि ढोंडो केशव कर्वे पंत, फर्ग्यूसन कॉलेज के वो गणित के प्रोफेसर जो बाल गंगाधर तिलक के एवज में नियुक्त किए गए थे, या फिर वो प्रथम ऐसे जीवित व्यक्ति जिनके जीते जी भारत सरकार ने उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। कहानी शुरू करने के पहले इन महानुभाव की यात्रा कैसे शुरू हुई थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं। कम उम्र में ये विधुर हो गए, यानी इनकी पत्नी राधाबाई का देहांत हो गया। इन्होंने समाज का नजरिया देखा और महसूस किया कि हर कोई इन्हें पुनर्विवाह के सुझाव दे रहा है, पर विधवा हुई महिलाओं की स्थिति बहुत अलग है। कष्ट और त्यक्तता से भरा जीवन, ये वो समय था जब सती प्रथा तो समाप्त हो चुकी थी और विधवाओं की संख्या में इजाफा हो रहा था। उनकी जिंदगी नारकी और बदतर के बीच से गुजर रही थी। हालांकि विधवा पुनर्विवाह को कानूनन सम्मति मिल चुकी थी, पर जनमानस में उसके लिए स्वीकारोक्ति नहीं थी। महर्षि कर्वे को एहसास हुआ कि महिलाओं की स्थिति अगर सुधारनी है तो जनमानस को जागृत करना होगा और महिलाओं को शिक्षित करना होगा। उन्होंने स्वयं बाल विधवा गोदूबाई, जिन्हें हम आनंदीबाई के नाम से भी जानते हैं, उनसे पुनर्विवाह किया था। जन जागृति के लिए न जाने उन्होंने कितनी यात्राएं की थी, कितने व्याख्यान, कितने अभियान, कितने प्रेरणास्पद कार्य किए, जो इस छोटे से वीडियो में समेट पाना मेरे लिए असंभव है। वे आधारहीन स्त्रियों के वो भीष्म पितामह बने जिनके कार्यों की वजह से उनका तो उत्थान हुआ ही, हमारे और आपके जैसी आधारयुक्त महिलाओं को भी समाज ने शिक्षा और सम्मान से नवाज दिया। ये जर्नी आसान नहीं थी। यह घटना है जब महर्षि कर्वे अपने स्वप्न को आधार देने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन वे उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति सर विट्ठल दास ठाकर सी से मिलने कुछ दान पाने की आशा लिए उनके घर जा पहुंचे। विट्ठल दास जी ने भी उन्हें 1,00,000 रुपए देना स्वीकार कर लिया। महर्षि प्रसन्न हो गए और वापस निकलने की अनुमति मांगी। विट्ठल दास जी ने पूछा, कैसे जाएंगे? तो महर्षि ने कहा, पैदल। और आए कैसे थे? तो पता चला कि वो भी पैदल। 15-20 किलोमीटर की यात्रा 70 साल की उम्र में पैदल। एक एक पैसा अपने स्वप्न के लिए जोड़ने वाले महर्षि कर्वे की यह बात सुनकर विट्ठल दास जी नतमस्तक हो गए। कोई अगर 1 रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाता तो उसे लेने के लिए वे 5-6 मील की पैदल यात्रा निसंकोच कर लिया करते थे। विट्ठल दास जी का मन भराया। उन्होंने उनके हाथ में 2 रुपए थमाए और आग्रह किया कि वे तांगा करके चले जाएं। महर्षि ने अभिवादन किया और निकल पड़े। इधर ठाकर सी जी को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, जो सज्जन अभी अभी यहां से गए हैं, गाड़ी लेकर उनका पीछा करो। अगर वो तांगा कर लेते हैं तो लौटाना, और अगर वे पैदल जा रहे हों तो उन्हें गाड़ी में वे जहां कहें छोड़ आना। और जानते हैं क्या हुआ? वही, उन्होंने वो 2 रुपए भी अपने स्वप्न को साकार करने के लिए बचा लिए और पैदल निकल लिए। क्या था उनका स्वप्न? क्या वो साकार हुआ? यह जानने के पहले अनुरोध निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और हाँ अंत में इसे शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि हर हिंदी भाषी इस घटना से रूबरू हो सके। कार्य के प्रति उनकी भक्ति, लगन और निष्ठा को देखते हुए विट्ठल दास जी ने अंततः उन्हें 15 लाख की राशि दी और पुणे शहर को सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की भी प्रथम महिला यूनिवर्सिटी SNDT मिली, जिसका नामकरण विट्ठल दास जी की मातुश्री श्रीमती नाथीबाई दामोदर दास ठाकर सी के नाम पर हुआ।
महर्षि कर्वे एक बार फर्ग्यूसन कॉलेज का अमृत महोत्सव अटेंड कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उनके चरण स्पर्श करने के लिए प्रोटोकॉल छोड़कर मंच से नीचे उतर आए थे। बुझ गए वो चराग जिन्होंने की थी राहें रोशन, वरना दिन के उजाले पता नहीं कब नसीब होते। ऐसे महापुरुष को मेरा नमन, शत शत वंदन।